बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि मतलब लगातार वेट कर रहे थे कि मतलब न्यायपालिका इस पर मोहर लगाए, क्योंकि हम बड़ी समय से जो बात कह रहे थे कि ये व्यक्ति देश और समाज का दुश्मन है और इस तरीके की गतिविधियां ये अंदर कर रहा है, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे, किसी ना किसी बात को लेकर लोग डिफेंड कर रहे थे इसको, और आज जो न्यायपालिका ने मोहर लगाई है उसमें सजा चाहे कितनी भी हो वो बात मायने नहीं रखती। मायने ये बात रखती है कि आज न्यायपालिका ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि ये व्यक्ति गुनाहगार है। इस बात के लिए हम आज रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। ये लोग मतलब जो पंचकुला में जुटे, ये अपने आप आस्था के नाम पर वहाँ दर्शन करने नहीं गए, इनको प्रोवोक किया जाता रहा कि आप वहाँ चलिए, अगर फैसला खिलाफ आता है तो ये सब किया जाएगा। ये सब पहले तय था, प्री प्लान्ड था, और जो इंटेलिजेंस की इनपुट्स थे वो भी यही थे, लेकिन फिर भी सरकार इनको संभाल नहीं पाई, इनको रोका नहीं गया, और जो ये सब नुकसान हुआ इसकी रिकवरी भी इन लोगों से की जानी चाहिए, और जो ये सब हुआ इसके लिए देशद्रोह का मुकदमा भी डेरा प्रमुख के ऊपर किया जाना चाहिए।